हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकाल। पिंटू के मन में हजारों सवाल उठते हैं। भूगोल का पाठ खत्म होते ही पिंटू के मन में प्रश्न उठे। भूगोल के मास्टर जी ने बताया कि पृथ्वी के लगभग 3/4 हिस्से में पानी है। स्कूल के बाद पिंटू भागकर घर पहुंचा और उसने पिताजी से पूछा, हमारे मास्टर जी ने कहा है कि पृथ्वी के 3/4 हिस्से में पानी है, फिर हमारे यहाँ अकाल कैसे पड़ा? हम उस पानी को क्यों नहीं ले आते? अरे वह समुद्र का पानी है, अकाल में ऐसे पानी का उपयोग नहीं होता। इतना कहकर पिताजी अपने काम के लिए बाहर चले गए। पिंटू का उत्साह ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसने अपने दादाजी के पास जाकर फिर वही प्रश्न किया। दादाजी पिंटू को अकाल के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, समुद्र का पानी खारा होता है, उसका पानी पीने के लिए या खेतीबाड़ी के लिए उपयोग नहीं होता। उस पानी की भाप बनती है, भाप ऊपर उठती है, भाप से बादल बनते हैं और फिर भाप ठंडी होने पर बारिश होती है। उन्होंने बताया, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ अकाल पड़ता है। पिंटू के मन में सवाल आया, हमारे यहाँ तो हमेशा कम बारिश होती है, तो क्या यहाँ हमेशा अकाल पड़ेगा? तब दादाजी ने कहा, अरे अकाल को मात दी जा सकती है, इसके कई उपाय हैं। पानी का उपयोग संभल कर करना चाहिए। बारिश के पानी की हर बूंद को रोकना, उसका जमीन में रिसना जरूरी है। बारिश ज़्यादा हो इसके लिए पेड़ लगाने चाहिए। हमारे पुराने तालाब अब काम के नहीं रहे, उनको साफ करने की ज़रूरत है और जहाँ बारिश अच्छी होती है वहाँ से पानी नहर के रास्ते अकालग्रस्त इलाकों में ले जाना चाहिए। पिंटू ने कहा, जी दादाजी, अब आई बात समझ में, और वह खेलने के लिए बाहर भागा। आंगन में पहुंचते ही उसके पैर थम गए और एक नया प्रश्न उसके मन में सिर उठाने लगा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से अकाल के बारे में क्या जाना और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।